हेलो दोस्तों, मैं हरकेश आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मास्टर रीजनिंग की श्रृंखला में सीरीज में एक अगला टॉपिक जो चल रहा है हमारा, कौन सा सीरीज श्रृंखला परीक्षण, उसमें देखते हैं। दो पार्ट इसके हमने कर दिए हैं और तीसरा पार्ट है ये। और ये जो आने वाले हमारे वनडे एग्ज़ाम हैं SSC रेलवे और NTPC ग्रुप डी के जितने भी मेरे एग्ज़ाम हैं उन्होंने सब में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और भी वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा। अब देखो, इससे पहले हमने दो पार्ट जो अपलोड किए हैं वो क्या हैं, वो हमारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न और ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखते हैं पहले ADGJM। तो देखो, हमने तुम्हें पहले जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो कि उसमें क्या, हमने ए से जेड तक के सभी अक्षरों के क्रम याद करवाए थे। जैसे ए हमारा एक नंबर, डी हमारा तीन नंबर, जी हमारा सात नंबर, जे हमारा दस नंबर और एम हमारा तेरह नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्रमांक लिख लेंगे नंबरों के। और देखो, देखते हैं अब ए से डी हो रहा है तीन प्लस, यानी डी चार नंबर, सॉरी, तो तीन प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब तीन के बाद तीन से चार हो रहा है तो इसमें भी चार से सात हो रहे हैं तो कितने है? तीन प्लस। अब इसमें भी तीन प्लस, इसमें भी तीन प्लस, तो हमारी जो सीरीज चल रही है तीन तीन प्लस की, तो हम भी इसमें एम में तीन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 नंबर हमारा आंसर होता है पी, तो ऑप्शन डी सही। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा BDGKP और आगे क्या आएगा, तो बस वही चीज़ हम पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम लिखेंगे, 2, 4, 7, 11, 20, 16, आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो, 2 में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, तो आगे 6 प्लस, तो 16 और 6 22 और 22 नंबर हमारा क्या होता है उभी, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर है OMKIGE ? तो देखो, ऐसे ही अब हमने बताया पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिखेंगे, 15 नंबर, OM 13 नंबर, K 11 नंबर, I 9 नंबर, G 7 नंबर, E 5 नंबर। तो देखो, 15 माइनस 2 13 माइनस 2 11 माइनस 2 9 माइनस 2 7, यानी माइनस 2 हो रहा है सभी में, माइनस 2 करेंगे तो कितने 3। अब 3 नंबर माइनस 2 करेंगे तो 1, तो कितने 3 नंबर हमारा होता है सी और ए, एक नंबर होता है ए, तो कौन सा आएगा सी और ए, तो सी और ए ऑप्शन नंबर सी सही। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ACGEI और क्वेश्चन मार्क, तो आगे क्या आएगा। तो हमने बस वही बात बताई कि पहले वर्णमाला के क्रमांक लिखेंगे 1, 5, 3, 7, 5, 9 क्वेश्चन मार्क, तो देखो क्या आएगा। अब देखो 1, 3, ठीक है, यानी 1 में 2 प्लस 3, अब 3 में 2 प्लस 5 और 5 में 2 प्लस सीरीज में, ऐसे ही इसको देखेंगे। तो 5, 2 प्लस 7, 2 प्लस 9, तो क्या करेंगे 5 में 2 प्लस 7 और 7 नंबर पे हमारा क्या होता है जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही जी। ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा HLPTX और क्वेश्चन मार्क, तो बस क्रमांक लिखेंगे सबसे, H 8 नंबर, L 12 नंबर, P 16 नंबर, T 20 नंबर, X 24 नंबर और आगे। तो देखो H 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24 और 24 और 4 26 तक होते हैं। अब दो उसमें पहुंच जाएंगे, देखो 24 के बाद 25 और 26, 26 के बाद फिर A आ जाएंगे, एक नंबर A और B, चार प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो B, इसमें चार प्लस करेंगे तो A से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारा B। अब ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वी एक्स डी यू एफ आर एच ओ जे एल एल आई, आगे क्या आएगा ऐसे इसी क्रम में। तो देखो वी दो नंबर, एक्स 24 नंबर, डी 4 नंबर, यू 21 नंबर, ठीक है, एफ 6 नंबर, आर 18 नंबर, एच 8 नंबर, ओ 15 नंबर, ऐसे ही देखेंगे जे 10 नंबर, एल 12 नंबर, एल 12 नंबर और आई 9 नंबर। अब देखो, अब ऐसे ही देखो ध्यान से, 24 और 2 26, ठीक है, 21 और 4 25, या फिर ऐसे देख लेंगे 2 4 6 8 10 12। अब 12 के बाद क्या आएगा, 14। दो तीन तरीके से कर सकते हैं, 12 के बाद 14। अब देखो 24, 3 माइनस 21, 3 माइनस 18, 3 माइनस 15, 3 माइनस 12 और 3 माइनस 9 और 3 माइनस 6। तो देखो बस 14 नंबर हमारा N और 6 नंबर F, तो N और F, या ऐसे कर लेंगे 2 और 24 26, 2 और 24 26, 21 और 4 25, एन 26 एक माइनस, 18 और 6 24 एक माइनस, 15 और 8 23 एक माइनस, 12 और 10 22 एक माइनस, 9 और 12 21 और 14 और 6 20, कैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, N और F सी नंबर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा DEF J। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है DEF J K L G H I, आगे क्या आएगा, ऑप्शन है PQR ABC MNO OPQ। तो देखो अब हम क्रमांक लिखेंगे, या क्रमांक देखो, अब इससे ना मिलाएं तो इससे मिला लें डायरेक्ट, क्या देखो यहाँ से करें DEF G H I। अब देखो आई के बाद जे के एल, तो क्या आ जाएगा एम एन ओ, ठीक है, यानी इसको इससे मिलाया फिर इसको अगले से मिलाया, यानी DEF G H I J K L M N O, तो ऑप्शन सी सही। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, और देखो ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हुए हैं, और पिछली बार UP SSSC वीडियो के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा बी अगला नंबर क्वेश्चन है, ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है, जैसे VQT VDT VXG IXA CKA CEN, और आगे क्या आएगा सीरीज में। तो देखो अब इतनी बड़ी सीरीज है, क्या अब हमने क्या बताया, सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे, 2 Q 17 T 20 V 22 X 24 G 7 I 9 X 24 A 1 C 3 K 11 A 1 C 3 E 5 N 14, आगे क्या आएगा। अब देखो इसमें देखते हैं, अब देखो कहाँ से क्या मिल रहा है, अब देखो दो में, अब पहली सीरीज में मिलाएं इसमें नहीं मिल रहा, इसमें मिलाएं इसमें भी नहीं, तो देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखें हम बी को, इसको इससे चौथे वाले से मिलाएं, ठीक है, तो चौथे वाले से मिलाएंगे तो दो में कितने प्लस, 7 प्लस हो रहा है, 2 में 7 प्लस, तो 2 में 7 प्लस करेंगे 9 आई। अब ऐसे ही 17 में 7 प्लस करें तो कितने, देखो 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24, ठीक है। अब ऐसे ही टी 20, 20 में 7 प्लस करेंगे तो 27, 27 नंबर पे 26 क्रमांक होते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जब 27 आएंगे तो बैक आ जाएगा एक पे, तो एक हो गया, यानी पहले को चौथे से मिलाएं तो कितने, 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस और इसमें भी 7 प्लस, ठीक है। ऐसे ही अब अगला देखते हैं, अगला अब अगले को मिलाते हैं, V 22 नंबर, 22 में 7 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 27, 22 और 5 वो 4 जोड़ेंगे तो 26, और 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 जोड़ के 22 में कहाँ पहुँच जाएंगे, सी नंबर, ठीक है, यानी इसमें भी 7 जोड़ना है। अब ऐसे ही डी
डी चार नंबर, डी चार में सात जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 फिर डी, फिर आया टी, टी 20 नंबर, सात जोड़ेंगे तो ए एक नंबर आ जाएगा। ऐसे ही इसको जोड़ना है, ठीक है, ऐसे ही किसको जोड़ना है, इस वाले को, वो भी 22 नंबर, फिर जोड़ेंगे तो सात ई सी आ जाएगा, 24 में सात जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा 5 नंबर, जी में सात जोड़ेंगे तो 14 एन आ जाएगा। अब एक दो हो गया और तीसरे से हो गया, अब किसको इससे ही फिर जोड़ेंगे, किसको इससे, तो देखो ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले आई, आई 9 नंबर, 9 में सात जोड़ेंगे, 9 और 7 16 और 16, और अगला 24, 24 में सात जोड़ेंगे तो 2 जुड़ेंगे तो 26 और 5 और जुड़ेंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या हो गया, ए, ए एक नंबर, ए में सात जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8, अब तीनों के क्रमांक लिख लेंगे, 16 नंबर हमारा पी होता है, 5 नंबर ई होता है, 8 नंबर क्या होता है एच होता है, तो पी ई एच, तो कौन सा है पी ई एच, ऑप्शन नंबर डी सही। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है और 100% अगले एग्जाम में भी आने की संभावना है। अब देखते हैं अगला नंबर, ऐसे ही ए एल बी सी, सी एल डी सी, क्वेश्चन मार्क जी एल एच सी। अब देखो देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए एल बी सी, सी एल डी सी, क्वेश्चन मार्क जी एल एच सी। अब देखो क्या है, यहाँ से इसको मिला है ए, देखो ए, देखो क्रमांक लिखे, एक नंबर, तीन नंबर, 12 नंबर, एल 12 नंबर, देखो यहीं से देखें, एक नंबर सी, और देखो यहाँ सी, अब देखो ऐसे आएंगे, एक तीन, अब पाँच लिखे हैं, पाँच के बाद दो प्लस करेंगे तो सात, और सात नंबर जी है, ठीक है। तो देखो ए पाँच, ए एक छोड़ के, ए के बाद बी गायब, सी, सी के बाद डी गायब, सी के बाद डी गायब करके कौन सी ई, ई के बाद एफ को काट के जी, तो देखो एक तीन, अब देखो अब दूसरा आएंगे एल, एल में जीरो प्लस, एल से एल, अब फिर एल से एल, और फिर एल से एल, तो हमारा पहले तो आया ए एक नंबर, सी तीन नंबर, और पांच नंबर पे ई, ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही एल जीरो, एल 12 नंबर, और एल 12, तो यानी इसमें जीरो प्लस, और फिर यहाँ भी एल 12, तो यहाँ भी हमारा एल 12, तो एल लिखेंगे। अब ऐसे ही बी लिखेंगे, बी डी, यानी 2 नंबर 4 नंबर, और अगला 6 नंबर 8 नंबर, ये 8 नंबर है तो 2 नंबर, यानी बी 2 नंबर 4 नंबर, तो यहाँ क्या 6 नंबर, और 6 नंबर पे हमारा क्या आता है एफ, ठीक है। और ऐसे अगला सी, मतलब 3 नंबर, सी 3 नंबर, सी 3 नंबर, सी 3 नंबर, तो सी, ठीक है। तो हमारा आया ई एल एफ, तो ई एल एफ कौन से ऑप्शन में, ओ एल पी सी नहीं है, ई एल एफ सी, तो यही है बी ऑप्शन, तो आंसर हमारा ई एल एफ सी। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ई पाँच, पाँच ई सात जी 9i 11 के आगे क्या आएगा। अब देखो देखो किस, पहले नंबर देखते हैं, 5 7 9 11 आगे 13, अब ई 5, 5 और 2 7, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर, 9 11, तो देखो क्या 13 नंबर क्या आएगा हमारा, 13 नंबर आएगा हमारा M, तो 13 M हमारा ऑप्शन सी सही। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सी टू, यानी सी दो एफ पाँच आई 11 एल 17 क्वेश्चन मार्क आर 31 यू 41 और एक्स 47, तो देखो सी, सी 3 नंबर, एफ 6 नंबर, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर, आर 18 नंबर, यू 21, एक्स 24, तो देखो तीन तीन के अंतराल से हैं, तो हम तीन अंतराल से तो 15, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, दो पाँच, यानी तीन प्लस, दो पाँच तीन प्लस, और तीन के दूने छः प्लस, छः प्लस
अब छः प्लस छः, छः के दूने, अब छः में कितने हो रहा है प्लस, देखो दो प्लस तीन प्लस, ठीक है, पाँच प्लस तीन और इसके दूने छः प्लस, अब छः के दूने 15, 17। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सी टू यानी दो, एफ पाँच, आई 11, एल एल 17, क्वेश्चन मार्क आर 31, यू 41 और एक्स 47। अब देखते हैं, देखो सी तीन नंबर, तीन सी छः नंबर, नौ नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 23, 24 नंबर, तो देखो तीन तीन माइनस तो 15 नंबर तो आएगा ही आएगा ओ, ठीक है, तो 15 नंबर ओ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ओ ध्यान रखेंगे। आगे आगे ध्यान रखेंगे, आप देखो दो पाँच 11, 17, देखो ये क्या है, दो अभाज्य संख्या है, दो पाँच एक अभाज्य संख्या, उसके बाद 11 एक अभाज्य संख्या, उसके बाद 17 भी एक अभाज्य संख्या। अब देखो ये नहीं है कि क्रम में अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ अभाज्य संख्याएं छूटी हुई हुई है, ठीक है, तो 17 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो देखो अभाज्य संख्या 17 और 31 के बीच में एक 23 आती है और एक 29 आती है, ठीक है, तो 23 वाली ऑप्शन में ओ और 23, ठीक है, तो इसी को ध्यान रखेंगे, तो 17 मतलब ओ 15, 17 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सी 23, 23 के बाद 18 एक अभाज्य संख्या 31, 31 के बाद अभाज्य संख्या 41, 41 के बाद अभाज्य संख्या 47, तो हमारा ओ 31 ओ 23, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे अगला क्वेश्चन, बा अगला नंबर, ए 26 एच, सी 24 एफ, जी 20 बी, तो देखो अगला क्या आएगा, तो ए में कितने, ए एक नंबर और सी तीन नंबर, तो दो प्लस, सी तीन नंबर और जी कितना 7 नंबर, तो तीन और जिसमें 4 प्लस, ठीक है, यानी सी में 4 प्लस करेंगे जी, अब इसमें भी कितने, अब देखो क्रम में चल रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, तो 7 में 6 प्लस करेंगे 13 नंबर हमारा होता है एम, 13 नंबर एम, ऐसे 26 2 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस कितने, देखो 26 2 माइनस कितने 20, 4 माइनस अब कितने 6 माइनस, तो कितने आएंगे 20 में से 26 गए, तो देखो एम 13 नंबर एम, अब गिनती संख्याओं में आती है, 20 में से 6 माइनस 14, अब अगला एच 8 नंबर और एफ 6 नंबर, तो 2 माइनस 6 नंबर और बी 2 नंबर, तो 4 माइनस, अब अगला कितने 6 माइनस, तो ए और बी 2 माइनस और 4 पीछे आएंगे, तो कितना ई ई आ जाएगा हमारा बी, तो कितने कितने माइनस होंगे 6, तो 6 माइनस करेंगे बी में, तो कितने 4 नंबर और एक एम 13 डी 4 नंबर, तो एम 14 कितने आएंगे, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ए एक नंबर सी तीन नंबर, दो प्लस सी तीन नंबर और जी 7 नंबर, देखते हैं एम 13 14, एम 14 वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, यहाँ से देखा एच कितने, एच 8 2 माइनस 6 2 4 माइनस बी, अब इसमें से कितने 6 माइनस करेंगे तो 2 ही हट जाएंगे और 27 में से 4 जाएंगे माइनस, तो कितने बचेंगे 26 में से 4 जाएंगे, तो 22 नंबर पे हमारा क्या आएगा उबी, 22 नंबर उबी आएगा, अब देखो उबी वाला देखते हैं, एम 14 उबी, तो एम 13 डी नहीं है, ओ 11 सी नहीं है, एम 12 बी नहीं है, एम 14 ई, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन है ये गलत आंसर दिए हुए हैं, हमारा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा एम 14 उबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।